देखिए टैक्स का ही मेन उम्मीद है कि कुछ रिबेट मिल जाए और लड़की लोग के लिए भी मिल जाए, मतलब लेडीज लोग के लिए भी टैक्स में रिबेट मिले और बाकी देश के रहते हुए मतलब देश को भी इसमें कुछ हानि ना हो, उसके हिसाब से बजट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप गाड़ी में पेट्रोल ले रहे हैं तो हाँ। पेट्रोलियम वगैरह का कुछ प्राइसिंग वगैरह पे कुछ हाँ अभी तो कुछ बढ़ा हुआ है सुनने पे आता है कि कुछ उम्मीद रख रहे हैं। हाँ कुछ तो उम्मीद रख रहे हैं, कम हो तो ज्यादा अच्छा है, बाकी देश के लिए भी जरूरत है पैसा के लिए। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तरफ डेवलप कर रहा है लोग, इतना तो कभी हुआ ही नहीं है देखने में आया है, तो इस तेल का भी योगदान है इसमें। ठीक है, मेरा नाम रविंद्र महली है। रविंद्र जी, आज देश का बजट आ रहा है, हाँ। आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है बजट में, क्या होना चाहिए? सरकार से तो हम यही उम्मीद करना चाहता है कि जो थोड़ा महंगाई बढ़ा हुआ है वो कम हो और जो भी है क्या बोलते हैं, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जनता के लिए कुछ अच्छा काम करें। नाम प्रवीण कुमार हुआ, प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, बजट से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या डिमांड करते हैं, ये क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि पेट्रोल प्रतिदिन बहुत महंगी होते जा रही है और हमको बहुत कम इनकम हो रहा है इससे, और बस यही दरख्वास्त चाहते हैं, महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है बस, तो महंगाई कम हो। हाँ महंगाई कम हो, खर्चा ज्यादा होती है इससे घर परिवार नहीं चल पाती है, बस यही चाहते हैं जी। मेरा नाम हुआ पिंटू महली। पिंटू जी, आज बजट आने वाला है, सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, सरकार जो कर रही है वो सही भी है और कुछ लोग के लिए गलत भी है, क्योंकि हर इंसान का पास तो उतना बजट होता नहीं है, पहला बात सबके पास उतना बजट है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जो करना चाह रही है हम ही लोग के लिए कर रही है, लेकिन इसमें से कुछ लोग को तकलीफ होता है, परेशानी हो ही जाती है किसी ना किसी रीजन से, जैसे फ्यूल का ही दाम आसमान छू रहा है, तो आम इंसान जो कमाता है जैसे रोज आता जाता, लॉकडाउन के बाद जो कंडीशन है हम लोग का यहाँ का कि जो कम खर्च में आते जाते थे अपने ऑफिस, अब लॉकडाउन की वजह से उसका पेमेंट भी कम हो गया है, दूसरी बात है कि उसको बाइक का इंस्टॉलमेंट भी भरना है, दूसरी बात है घर भी चलाना है, या फिर घर नहीं भी चला रहा अगर बैचलर है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो जाता है, तेल भराना, सैलरी कमाना, तो ऐसा सा कुछ कंडीशन है, उसके बाद फिर से अगर बजट का बात हो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही लाइफ में, लेकिन कब तक होगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि आम लोगों को इसमें आसानी मिले, छूट मिले कुछ? नहीं, छूट का तो इसमें कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ऐसा तो होने वाला है नहीं, इसी में एडजस्ट करके जीना फिर से सीखना होगा लोगों को, और क्या, जैसे गवर्नमेंट चल रही है हम लोग को उसी तरह से चलना पड़ता है, और क्या, जिसी तरह से करना पड़ेगा हम लोगों को बस।